तो वो भी आपको बताएंगे कि और स्ट्रेंथ इसको कैसे दी जाएगी। तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये वाले चलाएं छोटे वाले या मीडियम वाले। लेकिन नंदी नंदी लिखाना है, शिव जी की सवारी नंदी। अनु भी वेट कर रही है कि मेरा नंबर कब आएगा। बोनट की जो हाइट है वो छोटू के शोल्डर से भी ऊपर आ रही है। ये टायर साइज लगाने के बाद ये गाड़ी यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकती। तो भाई इस गाड़ी को तो मैं निकाल के रहूंगा, चाहे मुझे पूरी रात नहीं लगाने पड़े। हेलो गाइस, वेलकम आपका अपने यूट्यूब चैनल फोर व्हील ऑटोमोबाइल्स में। तो जैसे कि आपने देखा कल की वीडियो में कि इसके ब्रैकेट्स वगैरह कंप्लीट हो गए थे और इसके जो स्पेसर्स थे वो गलत आए थे, वो दोबारा ऑर्डर किए थे। तो शुरुआत करते हैं स्पेसर से ही, जो कि आ चुके हैं। तो अभी आपको मैं बताता हूँ। तो ये स्पेसर्स हैं जो हमने मंगवाए थे दो, तो ये आ गए हैं। जैसे कि भैया ने बताया था कि ये 4x4 के स्पेसर्स हैं। तो एक बार खोल के देखते हैं अब सही है कि गलत है मुझे नहीं पता, ये लॉटरी क्या निकलती है। तो ये देखते हैं, खोलो पंखे। इस पे बलैरो बलैरो लिखा हुआ है ना? हाँ जी, 4x4 बलैरो 4x4 लिखा है। तो भाई फिनिश तो इनकी काफ़ी ज़बरदस्त है, जैसे कि लास्ट टाइम के भी आए थे फिनिश इनकी काफ़ी अच्छी थी। तो ये कुछ अलग चीज़ है ना मंगेश, ये उससे अलग ही लग रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं। ये क्या जुड़े हैं क्या? इतने जुड़े, अरे नट लगे अंदर से, मेरे ख्याल से नट लगे ना, नट लगे भाई, नट तो लगे हैं पर नट खुलेंगे थोड़ी ना, ये बाहर ही निकलेगा। तो इन्होंने कहे अंदर से नट लगा के जोड़ के रखे हैं। तो भी देखते हैं इनको, खोलते हैं। तो ये स्पेसर्स जो थे ये तो इंस्टॉल कर दिए हैं, बट इसमें दिक्कत तो नहीं कह सकता, बट इसमें मतलब मसला ये बन जाएगा कि ये बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। ये वाला भी फिट हो गया है और इससे टायर हमारा बहुत ज़्यादा गाड़ी से बाहर आने वाला है। तो भी ये मेन पंखा रहेगा कि टायर गाड़ी से बहुत ज़्यादा बाहर होएगा तो वो भी दिक्कत करेगा। तो पीछे वाले टायर अंदर हो जाएंगे, फ्रंट वाले बाहर हो जाएंगे, वो भी नहीं चले रहेंगे। अब बड़े वाले पीछे भी मंगवाने पड़ेंगे। मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये वाले चलाएं छोटे वाले या मीडियम वाले। छोटे वाले तो चलेंगे नहीं, मीडियम वाले फिर चल सकते हैं बट उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। बट ये प्रॉपर 4x4 के हैं, बट ये बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो एक बार टायर लगा के देखते हैं तो लुक्स क्या आते हैं। अगर बहुत ज़्यादा बाहर होगा तो फिर इनके फेंडर के साथ हमें छेड़छाड़ करनी पड़ेगी या फेंडर थोड़े से मॉडिफाई करने पड़ेंगे जो बाहर आ जाए, जो टायर को कवर करे। तो एक बार फिट करते हैं तो फिर आपको बताते हैं। तो भाई साहब टायर जो फिट हो गया है और आप देख रहे हो टायर कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं और बॉडी नीचे करने के बाद टायर बहुत ज़्यादा बाहर आने वाले हैं। तो अभी देखते हैं इस गाड़ी के साथ क्या होता है और ये गाड़ी हमारे साथ क्या करती है, अभी हमें कुछ नहीं पता। और मौसम एकदम फर्स्ट क्लास बारिश वाला हो गया हुआ है। तो अभी ये इसके जो ब्रैकेट्स थे जो हमने वेल्ड किए थे फिलहाल, अभी उनको प्रॉपर हर साइड से पक्का किया जा रहा है और अभी इसको देख रहे हैं इसको और स्ट्रेंथ देंगे। तो वो भी आपको बताएंगे कि और स्ट्रेंथ इसको कैसे दी जाएगी। तो फिलहाल अगले टायर फिट हो चुके हैं और पिछले वाले पंकज फिट कर रहा है। तो सच्ची में यार मतलब वीडियो में मुझे नहीं पता, शायद इतना नहीं दिख पा रहा है, बट रियल में टायर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा बाहर है। तो अभी बॉडी नीचे करेंगे फिर सही पता चलेगा कि क्या रिज़ल्ट रहने वाला है। तो रियर व्हील भी जो खोल दिया है और रियर जो इसके स्पेसर्स हैं वो फिट कर रहा है रॉकी नहीं पंकज, गर्मी ज़्यादा हो गई है। तो अभी वेल्डिंग जोरों शोरों से शुरू है। तो अभी जितने भी सारे इसके ब्रैकेट हैं वो सारे अंदर से और बाहर से वेल्ड होंगे और उसके बाद इसमें हम ब्रैकेट्स रखने वाले हैं एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए। तो वो भी अभी आपको दिखाएंगे आगे। एक मिनट, हाँ जी, मैं बोल रहा कि गाड़ियों की सीटिंग है जो जी इतनी कंफर्टेबल है कि हम जो घर में जो सोफे लेते हैं ठीक है 100 गुना ज़्यादा, बंदा कबाड़ी से ले गाड़ी एक ठीक है, सीटें ले गाड़ी गाड़ी की ठीक है, अच्छी गाड़ी की लग्जरी की, उसको चढ़ाए बंदा सीट कवर ठीक है, वेल्डिंग वाले से एंगल बनवाए नीचे लगवाए रबर ठीक है, बंदा अपने ना घर में रखे उसको सीटिंग, इसका बेनिफिट देखो ना, मतलब घर के सोफे निकाल के तो ये गाड़ियों की सीटें लगानी है। एक तो डाउन है कंफर्टेबल है, इसकी जे वाला पोर्शन भी इसका कंफर्टेबल है अच्छा का, और ऊपर से एक चीज हो रहा है किसी ने थोड़ी आगे पीछे करनी अपनी एडजस्टमेंट, ये देखो इधर कर ली अच्छा आगे कर ली वाह है ना, जिस हिसाब से मैं तो करूंगा ठीक है। तो घर पे एसी लगा है? हाँ लगा बिल्कुल। तो वो उतरवा दो, गाड़ी का ब्लोअर लगवा लेता हूँ गाड़ी का एसी।
फिर बाहर क्या करूँ, जो बाहर वाला जो डिजाइन है तो वहां पे गाड़ी का बनवा दूंगा, गाड़ी का लगा देता हूँ सारा। तो जिस गाड़ी का निकालूंगा उस गाड़ी की बैजिंग भी लगा दूंगा बाहर। हाँ, बाहर गेट के बाहर लगा देना। बाहर लिख दूंगा अपना, जैसे टाटा का लगा दिया, टाटा हाउस, तो यहाँ से बैठ के काम चल रहा है, देखने में अलग ही सुकून आ रहा है। मतलब मेरे से वेट नहीं हो रहा, मैं देख रहा हूँ काम खत्म हो, फटाफट बॉडी नीचे लाए और टायर देखे कितने ज्यादा बाहर आ रहे हैं। और यहाँ पे ये भी हमारी लखटकिया नैनो भी वेट कर रही है कि मेरा नंबर कब आएगा, तो इसका नंबर भी जल्द आएगा, पहले इसको खत्म कर लें। तो अभी जो काम है वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा कुछ करना नहीं, अभी सिर्फ वेल्डिंग करना है और इन्हें स्ट्रेंथिंग करना है। तो उस साइड के मेरे ख्याल से तीन हो चुके हैं, चार हो चुके हैं, अगले वाले दो हो चुके हैं और ये पांचवा ब्रैकेट है। तो इसके बाद इसको सपोर्ट और लगाएंगे, और यहाँ पर एक टायर रह गया हुआ है, तीन टायर हमारे फिट हो गए हुए हैं। जनाब गाड़ी आप देख रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? मैं आपको सीधा बोला कि दांत लग रही है, दांत। दांत मतलब मुँह का दांत? बैल, बैल। अच्छा बैल, मैं बोल रहा हूँ कि इसके आगे ना हम लिखा देंगे नंदी। नंदी लिखाना है? नंदी, शिवजी का, शिवजी की सवारी नंदी। अच्छा नंदी बैल। तो इसमें कोई शक नहीं है, यहाँ पे देखने में ही बवाल लग रही है ये। तो बॉडी जब नीचे आने वाली है ना तो जबरदस्त लगने वाली है। तो टायर जो बाहर है ना, गजब लगने वाले है यार। तो यहाँ पे वेल्डिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, लेयरिंग यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, नज़र मार रहे हैं कुछ रह ना गया हो। इस साइड भी हो गई है, इस साइड से भी हो चुकी है, तो ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो गई हुई है। आपको इस साइड के भी दिखा देते हैं, तो यहाँ से भी लेयरिंग हो गई है और पिछली साइड से यहाँ पे ये भी वेल्ड कर दिया, बट एक एक सपोर्ट अभी हम और देने जा रहे हैं इसको। यहाँ से अंदर से भी सारा ऑलमोस्ट हो ही गया, अंदर से भी सारा हो गया। उस्ताद जी जी, ए इस साइड तो पूरी लेयर लाओ ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा रह गया, तो कोशिश करेंगे, तो यहाँ थोड़ा रह गया था तो लेयर लगा लेते हैं, बाकी यहाँ भी जो अगर रह गया होएगा तो यहाँ भी सारी लेयरिंग कर लेते हैं। तो अंदर से भी इसको सारा वेल्ड कर रहे हैं, ताकि कुछ रह ना जाना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि इसके साथ हम क्या करने वाले हैं। जब ये रेडी हो जाएगी, इसको हमने कहां कहां ले जाना है, कौन कौन से ऑफ रोड में इससे क्या क्या कारनामे करेगी, उसके लिए मजबूती बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दूसरी साइड हमारे राकेश उस्ताद जी लगे हैं, तो ये ब्रीजा की डेंटिंग कर रहे हैं। तो रात को इनको भी रुकवाया था, क्योंकि थोड़ी यहाँ भी हेल्प हो जाएगी और साथ में ये काम भी चल जाएगा। तो अभी जो फ्रंट्स ब्रैकेट्स हैं हमारे, इनको टेपर में यहाँ पे सपोर्ट दे रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। तो एक बार देख लेते हैं बॉडी रख के, कहीं वो दिक्कत ना करें, तो एक बार बॉडी नीचे करते हैं। पंकज करो बॉडी नीचे, बुश बाच रखने कर बॉडी चलो, क्योंकि साथ साथ में चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से हम अगर वेल्ड करते हैं बाद में बॉडी नीचे आते दिक्कत करेगी तो काम बढ़ जाएगा। तो अभी पहले ही चेक कर लेते हैं। तो अब कम्प्लीटली हाइट का भी जो है वो सही अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी गाड़ी की हाइट क्या रहने वाली है, क्योंकि पहले टायर छोटे थे कल की वीडियो में, और आज टायर भी इंस्टॉल हो गए हुए हैं। आने दे, बस ठीक है। हाँ, तो अभी ये लुक लगने वाली है भाई साहब। तो टायर आप देख लीजिए, टायर बॉडी से कहाँ जा रहे हैं, तो मस्त लग रही है। तो अभी हाइट भी आपको बता देते हैं। छोटू खड़े रहना, बच्चे खड़े रहना बोनट के पास। तो आप देख सकते हैं कि बोनट की जो हाइट है वो छोटू के शोल्डर से भी ऊपर आ रही है, ज़बरदस्त। अब मज़ा आएगा। उस्ताद जी चेक कर लो टेपर में कहीं टच तो नहीं हो रही है, कहीं नहीं होगी मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप है, यहाँ से अगर टेपर में हम रखेंगे भी तो कहीं कुछ टच नहीं होने वाला है, ठीक है। और पीछे भी अगर देख लें तो पीछे भी एक बार नज़र मार लेते हैं। तो इस साइड भी सारा सही है, इस साइड भी कुछ टच नहीं होने वाला है। और एक सेकंड, अगर हम यहाँ से नीचे से देखेंगे तो नीचे से भी यहाँ कुछ टच नहीं होने वाला है, तो ऑल लाइन क्लियर कह सकते हैं। तो अभी इसको बॉडी को उठाएंगे, उसको ब्रैकेट्स लगाते हैं। और
तो अभी ये एंगल, दो एंगल एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, तो अभी आप देख सकते हैं इसको इस साइड से वेल्ड करेंगे ताकि पिलर की पूरी स्ट्रेंथ, मतलब जितनी हम बोलते जा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इससे क्या है कि राइट लेफ्ट भी नहीं पिलर कभी जाने वाला है और आगे पीछे भी नहीं होगा। इनकेस अगर गाड़ी किसी खड्डे में ज़ोर से गिरती है तो कुछ भी हो जाए, अभी ये हिलने नहीं वाला, इसकी पूरी गारंटी है। तो अभी जी खाना वाना खा लिया लड़कों ने, तो खाना खा के अभी थक गए, अभी 11:30 ही हुए आज। तो एक्चुअली जो हमारे मेन वेल्डिंग वाले उस्ताद जी थे तो उनको घर जाना था जल्दी, तो वो घर चले गए। शराब पीना छोड़ दो देव। ना पारो। छोड़ दो देव। ना। कोशिश तो करो। तेरे बाप की भैया। तो बाकी काम इसका कल करेंगे, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो जैसे ये एंगल वेल्डिंग की है तो इससे जो सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बट ये एंगल अच्छे नहीं लग रहे थे और प्लेट हमारे पास जो भी अवेलेबल नहीं थी जो ये इस साइज़ की, तो मॉर्निंग में ये प्लेट ले आएंगे क्योंकि ये प्लेट लगेगी इसकी फिनिश अच्छी आएगी, जैसे आप देख रहे हैं एंगल अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो तभी ये भी बंद करवा दिया, तो कल प्लेट लाएंगे, तो कल काम इसका बाकी का ख़त्म करेंगे। तो भी क्या है जी, सामान वगैरह तो सारा साइड कर लिया है, तो मैं चाह रहा था कि गाड़ी एक बार हमने बाहर निकाल के नहीं देखी, तो मैं कोशिश करूँगा कि गाड़ी एक बार ओपन में लाते हैं, तो फिर देखते हैं कि गाड़ी के क्या लुक्स आ रहे हैं। करो नीचे पंकज, बहुत बार ऊपर नीचे कर लिए। आंदो कर ले, डाउन कर ले, जान दे नहीं, ठीक है डाउन कर लो, अभी से धक्का मारने के लिए भी बंदे चाहिए ज़्यादा, तो बंदे हमारे पास सिर्फ दो ही हैं और तीसरा मैं, आप लोगों का कैमरा मैन। तो भाई साहब यहाँ पे पंकज की हंसी रुक नहीं रही है क्योंकि यहाँ पे हो गया थोड़ा सा पोपट, तो पोपट ये हो गया है कि ये टायर साइज लगाने के बाद ये गाड़ी यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकती, तो अभी उस साइड में थोड़ी सी स्पेस है, तो अभी इसको दो बंदों से उस साइड गाड़ी पूरी लेना थोड़ा सा रिस्की रहने वाला है, तो देखते हैं क्योंकि इस साइड में थोड़ी सी स्पेस है, अगर गाड़ी इस साइड आ जाती है, जैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ यहाँ पे स्पेस है, गाड़ी इस साइड आ जाती फिर ये गाड़ी बाहर निकलेगी, तो अभी दो बंदों के साथ इतना कुछ करना मुमकिन नहीं है, बट कोशिश करते हैं अगर हो गया तो इसे बाहर निकालेंगे क्योंकि अब रुका नहीं जा रहा। तो अभी यहाँ पे गए जी, लिफ्ट का एक लेग लगाई है जिससे गाड़ी थोड़ी सी उठाई है और धक्का मार के गाड़ी स्लिप करने की कोशिश करते हैं कि गाड़ी अगर स्लिप हो जाती है उस साइड तो फिर गाड़ी उस साइड जा सकती है, तो ये कोशिश कर रहे हैं जी, अगर ये कामयाब हो जाती है तो फिर आपको दिखाते हैं गाड़ी। ओए 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 ओए, आराम नाल आवाज़ आई है बहुत ख़तरनाक। जाएगी नहीं, बहुत हैवी चीज़ है जी ये, नहीं जाएगी, फिर क्या करेंगे, चलो जैक लगा के देखो, ये तो फॉर्मूला फेल। तो भाई इस गाड़ी को तो मैं निकाल के रहूँगा चाहे मुझे पूरी रात नहीं लगाने पड़े, तो आइडिया तो दिमाग में बहुत खतरनाक से खतरनाक है, कोई ना कोई तो चल ही जाएगा। जा रही है, तो गाड़ी को भी धक्का मार रहे हैं जैक लगा के नीचे। हाँ ठीक है, शाबाश, करो लगाओ जोर, देखो जाकू तो फंसे रहे ना, सीधा जा रहे ना, चलो हाँ ठीक है, शाबाश, निकल जाएगी। हो गया जी काम। तो भी गाइस बंदे या दो जो पीछे से धक्का लगाएंगे और आगे रोकने वाला सिर्फ मैं ही हूँ, तो अगर काफ़ी स्पीड में आई तो मुझे रोकने पड़ेगी और देखते हैं, अभी लगाओ धक्का जोर से, आन दो आने दो, मुझे लग रहा है मुझे खुद भी जाना पड़ेगा वहां पे। हाँ, एक अटेम्प्ट और लास्ट, आने दो, ये आ गई, लगाओ बस हो गई उनकी, वो पीछे जा रही है गाड़ी, आने दो फिर से, हाँ करो, चलो, एक अटेम्प्ट और लास्ट, चलो आने दो जोर से, आने दो, ठीक है, आगे आ जाओ, फटाफट, एक बंदा आगे आ जाओ,
वापिस आ रही है। ये हाँ आने दो क्या हुआ आ जाओ हैवी है ज़्यादा बहुत भारी है आने दो लगा रही है ये अरे भाई पत्थर लगा है पत्थर इधर पत्थर लगा हुआ है यहाँ पे ये हटाओ ये पत्थर लगा हुआ था चलो आने दो तो भाई अभी देखेगी ये मॉन्स्टर कह लो बीस्ट कह लो जो आपका दिल कहता है कह लो। तो मेरे भाई जो भी देख रहे हैं तो इसका प्यारा सा नाम जो भी आपके दिल में आता है तो वो कमेंट कीजिए आने दो हाँ। तो भाई अभी दिख रही है ये सही लिफ्ट हुई तो आप देख लीजिए खुद तो इसका फुटरेस्ट खुल जाएगा तो ग्राउंड क्लियरेंस की बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो अभी फ्रंट से साइड से देख सकते हो आप। एकदम खतरनाक लग रही है। तो गैस लीजिए इसके साथ हमने कोशिश की है वैगनार को रखने की और आप शायद देख पा रहे हैं कि जितना इसका बोनट है उससे थोड़ा ही ऊंचा मतलब ऑलमोस्ट बोनट के बराबर छत आ रहा है इसका तो गाड़ी की हाइट अभी आपको पता चल रही होगी सही तो जितना इसका बोनट है इतना इसका टायर है तो अगर अब आपको मज़ा आ रहा है तो इससे आगे आपके बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि गाड़ी कैसी लग रही है और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसका नाम वैसे तो हमने स्टार्टिंग में ब्लैक हॉक रखा था अगर आपको और ज़्यादा कोई अच्छा नाम लगता है तो हमें सजेस्ट कीजिए। तो आज का व्लॉग यहीं करते हैं ख़त्म जितना हम कर सकते थे इतना हमने किया कोशिश की तो आज कुछ फाइनल लुक्स भी गाड़ी के आ गए हैं हाइट भी प्रॉपर पता चल गई है तो आज का व्लॉग करते हैं एंड अपने और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में ओके बाय बाय गुड नाइट।